तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज अपडेट पे अपडेट्स आते जा रहे हैं एंड वैसे अपने ट्रैवल शीफ को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है, गुड न्यूज़ आई है हम सबको लेकर, मतलब कि रोमन की जितने भी फैंस हैं उनको सबको भाई गुड न्यूज़ मेरे तरफ से। क्या गुड न्यूज़ है उसको एंड तक वीडियो को देखना, पता लग जाएगा कि एक्चुअल में गुड न्यूज़ क्या है। तो हाँ, पहली अपडेट को लेकर चलते हैं। पहली अपडेट निकल के सामने आती है, वो है अपनी ट्रैवल शीफ को लेकर। रोमन जो है बहुत ज़्यादा खुश हैं कोड़ी के विन को लेकर। रोमन इतना खुश है कि भाई उन्होंने स्माइल दे दिया जब वो पिन हो रहे थे। ये फोटोग्राफ आप देख लो यहाँ पे, जहाँ पे रोमन स्माइल करते हुए दिखाई दे रहे हैं जब कोडी रोड्स उनको पिन कर रहे थे। अब भाई ये देख के थोड़ा सा इमोशनल होना पड़ता है, क्योंकि देखो जिस तरीके से वो बंदा स्माइल कर रहा है ना, उसको पता है कि हाँ भाई मैंने सब कुछ कर लिया, अब मैंने जितना भी मुझे करना था, जितनी भी चीज़ें मेरे को टच करनी थी, माइलस्टोन टच करना था, वो सब कुछ मैंने कर दिया है। अब जा तू ले ले जो भी चीज़ है ये मेरे तरफ से, तू ले ले। एंड वो जो स्माइल है वहाँ पे देखने को मिल रही है रोमन के फेस पे, एंड रोमन खुश हैं कोड़ी को लेकर। कोड़ी वो एक्चुअल में डिजर्विंग बंदे हैं जो इस टाइटल को ले लिए, एंड खुश हैं कोड़ी रोड्स को लेकर रोमन रेंज। एंड एक और चीज़ भाई, अगर रोमन को सच में खुश है तो वो इसी वजह से होंगे, क्योंकि उनको लगता होगा कि कोड़ी उनके बाद, रोमन के बाद कोड़ी रोड्स ही वो इंसान है जो इस टाइटल को और ज़्यादा अहमियत देंगे और ज़्यादा प्रेस्टीज बनाएंगे और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाएंगे उस टाइटल को। तो भाई ये कुछ अपडेट थी। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर, जो कि आती है आई शो स्पीड को लेकर। तो भाई आई शो स्पीड WWE के अंदर आए थे, एंड मतलब WWE के अंदर कह रहा हूँ, रेसलमेनिया के अंदर आए थे रैंडी ऑर्टन एंड लोगन पॉल की मैच के बीच, जहाँ पे भाई वो प्राइम वाली बॉटल के अंदर आते हैं। फिर भाई होता क्या है, आरकेओ लग जाता है आई शो स्पीड को, एंड जहाँ पे भाई वो आई शो स्पीड जो आरकेओ लगता है, उन्होंने कमेंट किया एंड ट्वीट करके उन्होंने बताया यहाँ पे WWE इज रियल ऑन गॉड। भाई उन्होंने कह दिया कि WWE एक्चुअल में रियल है, भाई मुझे लगता नहीं था कि रियल होगी। एंड उन्होंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था कि WWE रियल नहीं है, शायद मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह देखे थे, एंड यहाँ भी उन्होंने कहा कि WWE भाई रियल है, मुझे जो भी गलतफहमी है वो दूर हो गई। तो भाई आई शो स्पीड को लेकर ये अपडेट थी, छोटी अपडेट थी। अब इन WWE में इनका क्या रिलेटेड है, क्या रिलेशन है, क्या ये आएंगे नहीं आएंगे, अब इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है, ये जब आएगी मैं बता दूंगा। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर, जो कि आ रही है जॉन सिना को लेकर। तो भाई जॉन सिना अंडरटेकर, भाई कितने सारे लोग आए थे भाई मेन इवेंट के अंदर, इतना कमाल का मेन इवेंट मैंने आज तक नहीं देखा भाई। इतने गूज बम्स, इतना शॉकिंग तरीके से चीज़ें हो रही थी भाई, गॉड भाई बहुत कमाल का बनाया WWE ने, जिस तरीके से भी डिज़ाइन किया मेन इवेंट को, ऑब्वियसली बहुत कमाल के तरीके से किया। एंड अब देखो क्या चीज़ें होने वाली हैं। जॉन सिन्हा ने रिएक्ट किया है भाई एंड ट्वीट किया है, उन्होंने यहाँ पे थैंक कहा है WWE यूनिवर्स को, रेसलमेनिया को एंड कोडी रोड्स को, एंड विनिंग को लेकर कॉन्ग्रेचुलेशन कहा है कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स को बचाने के लिए आए थे भाई जॉन सिन्हा, एंड उन्होंने उनके गले भी लगाए, सेलिब्रेशन में भी इन्वॉल्व थे जॉन सिन्हा, एंड जॉन सिन्हा ने जो चीज़ें की हैं आज वो काफ़ी अच्छी लगी। एंड यहाँ पे कुछ इन्होंने ट्वीट वगैरह करके बधाई दी है कोडी रोड्स को एंड शुक्रिया किया है WWE यूनिवर्स का। बात करते हैं आखिरी एंड सबसे बड़ी स्टोरी को लेकर, जो कि आती है अपनी रोमन रेंस को लेकर। रोमन का भाई बहुत बड़ा पिक्चर होने वाला है, और जी हाँ मैं ये कहूँगा कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रोमन का तो भाई ये शुरुआत थी, मैंने कहा था आपको कि रोमन की ये शुरुआत है, बहुत कुछ बाकी है भाई। एंड यहाँ पे Triple H ने यही कहा कि रोमन कहीं नहीं जा रहा, रोमन यहीं पे है। जो चीज़ें हमने बुक करके रखी है भाई, वो चीज़ें बहुत तगड़ी हैं रोमन के लिए। ट्रैवल शिप तो एक छोटा सा हिस्सा है, रोमन का जो अभी जो होने वाला है, जो चीज तरीके से फ्यूड होने वाली है रोमन की नेक्स्ट, वो इतनी कमाल की है कि लोग अपना दिमाग खो बैठेंगे, लोग अपने मानसिक संतुलन खो बैठेंगे, ऐसे कुछ भाई Triple H का कहना है। एंड भाई मुझे लग रहा है कि रोमन किसको फेस करेंगे, मतलब कि एट द एंड रॉक को तो फेस करना ही है, बट वो इतनी जल्दी नहीं होने वाला, वो सबको पता है। बट अब किसको फेस करेंगे, ऐसी कौन सी चीज़ है भाई जो शॉकिंग बना देगी, अब देखते हैं भाई क्या चीज़ें होती हैं। बट हाँ, सबसे प्रिटी सिंपल भाई, सबसे बड़ी बहुत बड़ी न्यूज़ कि रोमन मैसिव फ्यूड में जाने वाले हैं किसी के साथ। अभी कौन है, कौन सा सुपरस्टार है, अब तक पता नहीं लगा, बट जो भी है भाई ये बहुत बहुत कमाल का होने वाला है, लोग देख के दीवाने हो जाएंगे। ब्लड लाइन तो एक हिस्सा था, ट्रैवल शिप भी एक हिस्सा था, अब भाई ये जो तरीका, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत लंबी जाने वाली है अकॉर्डिंग टू Triple H। एंड मैं तो एक्साइटेड हूँ, क्या आप एक्साइटेड हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।